नजर डाल लेते हैं आज की खबरों पर। सारंगढ़ शिक्षा विभाग से एक बार फिर एक नया घोटाला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें यह जानकारी एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा आरटीआई लगाकर निकाला गया है, जिसमें दो शिक्षकों के वेतन में जीरो बाधा कर लगभग 2,84,000 रुपए की सरकार को चूना लगाया गया है और संबंधित अधिकारी सिर्फ जांच का आश्वासन देकर दोषियों को बचाने में जुटे हैं। जिस शिक्षा विभाग से लोगों को शिक्षा मिलती है, उसी विभाग में अनैतिकता की बात सामने आने लगे तो लोगों को शिक्षा की मंदिर कहे जाने वाले विभाग व देव समान पढ़ाए जाने वाले शिक्षक को क्या कहेंगे। दरअसल मामला सारंगढ़ शिक्षा विभाग का है, जहां एक लापरवाही जानबूझकर करने की बात सामने आई है, जिसमें एक पंचायत शिक्षक पंचराम साहू ने सारे नियम कायदे को ताक में रख कर अपने मनपसंद कुछ शिक्षकों का वेतन व एरियास की भुगतान राशि पर एक जीरो बढ़ाकर भुगतान कर दिया गया है। और ये कोई अनजाने में नहीं किया गया, बल्कि अधिकारी की माने तो जानबूझकर उनको लाभ पहुंचाने की नियत से ऐसा किया गया है। बताया जा रहा है एक माध्यमिक शाला बंधापाली के शिक्षक पंचायत पंचराम साहू को कुछ दिनों के लिए शिक्षकों के वेतन बनाने के लिए बीओ कार्यालय में अटैच किया गया था, जहां पंचायत शिक्षक पंचराम साहू ने अपने चहेते शिक्षकों से मिलीभगत कर उनके वेतन भुगतान व एरियस भुगतान की राशि में एक जीरो बढ़ाकर उनका भुगतान जानबूझकर कर दिया। इससे उनको कई लाख तक की राशि उनके खाते में चली गई। इस मामले की कई शिकायत होने के बाद भी अधिकारी केवल जांच की ही बात कर रही है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षा विभाग की लापरवाही को लेकर हम लोग एक ज्ञापन सौंपे थे, जिसमें लाखों का घोटाला कर दिए थे, उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सारंगढ़ एसडीएम को हमने विभिन्न मांगों को लेकर 6 महीने से निरंतर सारे विषयों को अंकित करते हुए ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई ने जगह जगह इस पर ज्ञापन पर कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि एसडीएम साहब का अपने माथहत कर्मचारियों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना तो कोई अधिकारी उनके आदेशों को मान रहा है, ना ही उनकी बात सुन रहा है। शिक्षा विभाग की ही बात की जाए तो यहाँ के संबंधित जो बीओ हैं उनके जानकारी में और संज्ञान में होते हुए लाखों रुपए वेतन के निकाल लिए गए, कुछ शिक्षकों के एक जीरो बढ़ा दिया गया, 10,000 का वेतन 1,00,000 रुपया बन गया उदाहरण के तौर पर। वैसे ही अभी एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां 5-6 शिक्षक ऐसे हैं जिनके एरियस भुगतान में उनकी समय सीमा के आधार पर 2 से 2.5 लाख रुपए एरियस बनना था, वो 3.5 से 4 लाख रुपए का एरियस उनका बना दिया गया, उनकी राशि निकाल ली गई और गुपचुप तरीके से उसमें बहुत बड़ा बंडर बांट हुआ है। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी की माने तो उनका भी कहना है कि बीओ कार्यालय में शिक्षकों का वेतन बनाने में हो रही देरी को दूर करने के लिए माध्यमिक शाला बंधापाली के एक पंचायत शिक्षक पंचराम साहू को कुछ दिनों के लिए बीओ कार्यालय में अटैच किया गया था। उसी दौरान उन्होंने कुछ अपने चहेते शिक्षकों से मिलीभगत करके उनके वेतन व एरियस की राशि पर एक जीरो जानबूझकर बढ़ाकर उनका भुगतान कर दिया, जिसकी जांच अभी चल रही है। वहीं अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर निश्चित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कई प्रकरण है, नामजद बताते तो मेरे को भी पता लगता कि वेतन एरियस है कि समयमान एरियस है कि पुनरीक्षित एरियस है। सभी में है क्या सभी तो जो पात्र होते हैं समय मान यानी 7 साल और पुनरीक्षित यानी 8 साल, और जो पात्र होते हैं उनको दिया जाता है। किस प्रकार के एरियास में अधिक भुगतान होगा, वो श्री पंचराम साहू शिक्षक पंचायत है माध्यमिक शाला बंधापाली, उस समय के लिए इस विद्यालय में इस शाखा में अटैच किया गया था शिक्षकों के, कई काम पूरा नहीं हुआ था उसको ठीक करने के लिए। उसी समय हमारे यहाँ लेखापाल थे श्री आर के बैसड़ो, दोनों में मिलजुल करके किया गया है, ये जांच हुआ है, मूल वेतन में एक जीरो बढ़ा करके लगभग 2,44,000 समथिंग जानबूझ करके आहरण किया गया है। और एरियस का सवाल होता है, किसी व्यक्ति का एरियस अगर पात्र होता है बनता है
तो उसका गणना पत्रक तैयार किया जाता है। गणना पत्रक तैयार करके अधिकारी के पास नोटशीट पुट अप किया जाता है और अधिकारी उसको चेक करता है। इसके बाद जो है फाइनल डिसीजन देता है, ये राशि ऑथेंटिक होता है, अरे तो 420 वाला है, इसको हमने कार्रवाई किया है, और जिले के अधिकारी को इनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लिखा गया। सर क्या अभी तक रिकवरी हो रही है राशि से? राशि रिकवरी हो रही है, हर महीना हम लोग काट रहे हैं 6900 वेतन से। और क्या कार्रवाई होगी सर, ये जानबूझ कर किया जाना बताने आपको बता रहे हैं? अरे वेतन ये रिकवरी होगी, नियमतः राशि भी रिकवरी होगी और संबंधित कर्मचारी जो जानबूझ करके नियम विरुद्ध किए हैं उनको हम बर्खास्त भी करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़।